वहीं मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला 2016 से अटका है और अब जब अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो ऐसे में कर्मचारी वर्ग एक बार फिर से गोलबंद होने की तैयारी में है। प्रमोशन में आरक्षण के पेंच की लाचारी, बिना प्रमोशन रिटायर हुए हजारों कर्मचारी। जी हां, प्रमोशन की आस लगाए राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को 6 साल बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच सरकारें बदली, चिंतन मंथन भी खूब हुआ, लेकिन इसका कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया और इस वजह से प्रमोशन के इंतजार में हजारों कर्मचारी रिटायर हो गए। एमपी में ऐसे करीब 60,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 36,000 से ज्यादा मौजूदा कर्मचारी को भी इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। 2016 से ही एमपी में प्रमोशन में आरक्षण का मामला लंबित है। उधर कर्मचारी वर्ग में भी इसे लेकर नाराजगी है। वहीं अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कर्मचारी वर्ग का दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए प्रयास नहीं किए, बल्कि हाईकोर्ट की ओर से पदोन्नति नियम निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद एमपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सशर्त प्रमोशन का प्रस्ताव बनाया गया। कमलनाथ सरकार के समय प्रमोशन का मामला सदन में गूंजा। तब कमलनाथ सरकार में तत्कालीन स्पीकर ने हाई पावर कमेटी बनाई। हालांकि इस हाई पावर कमेटी की कभी बैठक नहीं हो पाई। इसके बाद कैबिनेट कमेटी का भी गठन हुआ और कर्मचारी संगठनों से राय भी ली गई, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण अटकता रहा। हालांकि 2018 में सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था। तो सरकारी स्तर पर प्रमोशन में आरक्षण को अमली जामा पहनाने की कोशिशें जारी रही, लेकिन मामला संवैधानिक पेंचों में उलझता गया। बहरहाल अब जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इसे निरस्त क्यों किया था। जानकारी के मुताबिक 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया। दरअसल शासकीय सेवा में आरक्षण का लाभ एक बार ही मिल सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के नियम को रद्द कर दिया था। इससे पहले एमपी में 2002 के भर्ती नियमों में आरक्षण रोस्टर लागू था। देखिए, कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और समय समय पर सरकार प्रयास भी करती है किसी तरीके से कोई सर्वसम्मत हल निकला है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले। अभी भी सरकार इस प्रयास में है कि कोई इसका आसान हल निकल आए। हाई पावर कमेटी बनती है, हाई लेवल कमेटी बनती है, लेकिन अभी किसी बात पे कोई ऐसी सहमति नहीं बन पा रही होगी, इसलिए सरकार लगातार इसमें प्रयासरत है। और देखो, सरकार की मंशा नहीं है और सरकार ने कुल मिला के कोर्ट में ले जाके इस मामले को उलझाने का प्रयास किया है। सरकार न तो उनको आरक्षण देना चाहती, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनका आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा, और जिनका देना चाहती है वो उनको भी आरक्षण नहीं दे पा रही है। वो कुल मिला के कोर्ट में ले जाके सरकार ने दोनों वर्गों को खुश करने के लिए जो मामला आ रहा है उसका गले की हड्डी बनता जा रहा है और दोनों वर्ग सरकार से नाराज हैं। बहरहाल एक तरफ ये मामला कानूनी दांव पेच में उलझा है तो दूसरी तरफ कर्मचारी वर्ग का दबाव भी बढ़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी में भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। सरकार कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मामले में डिलेमा में है, क्योंकि पुरानी पदोन्नति नीति में आरक्षण के मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था, जो भी नियम थे, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। अब सरकार ये चाहती है कि जो भी डायरेक्शन आए वो सुप्रीम कोर्ट से आए, उसके बाद ही कोई स्टेप लिया जाए, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या तब से लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वो ना तो आरक्षित वर्ग और ना ही सामान्य वर्ग, दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो या फिर प्रमोशन में आरक्षण का मामला, इन सभी पर विरोधी तो एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे ही। वहीं कर्मचारी वर्ग भी अगर गोलबंद होने लगा तो वोटों का गणित बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सरकार की किसी भी कोशिशों पर तब तक अंतिम मुहर नहीं लग सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करती है और अधिकारी कर्मचारियों के बारे में तो ये माना जाता है कि ये अगर नाराज हो गए तो सरकार का सियासी समीकरण गड़बड़ा जाता है। प्रमोशन में आरक्षण की उम्मीद रखने वाले
हजारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और इतने ही अब रिटायर होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इन कर्मचारियों को बराबर सरकार की ओर से भरोसा मिलता जा रहा है, लेकिन आरक्षण अभी तक नहीं मिला। सरकार इस मामले को लेकर छोटे से लेकर बड़े कोर्ट तक गई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया और अब सिर पर चुनाव आ गए। फिर से एक बार सरकार पर अधिकारी कर्मचारी दबाव बनाने जा रहे हैं कि अगर प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट से हटकर सरकार क्या कोई और फैसला कर पाती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में प्रमोशन के इंतजार में हजारों कर्मचारी रिटायर हो गए। एमपी में ऐसे करीब 60,000 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 36,000 से ज्यादा मौजूदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं। 2016 से प्रमोशन में आरक्षण का मामला लंबित है। दरअसल 30 अप्रैल 2016 को एमपी लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपने सरकारी या बड़ी कंपनियों के ऑडिट के बारे में सुना होगा। सीए या कैग की ऑडिट रिपोर्ट भी देखी होगी, लेकिन कचरे का भी ऑडिट